Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ayush, a first year MBBS student, and before I start this video, please hit the like button, and if you are new on this channel then please consider subscribing. So आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत दिनों से ट्विटर पे ट्वीट्स आ रहे हैं और बहुत सारा जो न्यूज चैनल्स है उनका भी आर्टिकल्स आ रहा है, इवन न्यूज पेपर में भी ये चीज आ रहा है कि नीट 2020 में जो हमारा जो फिजिक्स होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर जो फिजिक्स है उसको एज अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के तौर पे रखा जाएगा, उसके बेसिस पे मेरिट नहीं बनेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि फिजिक्स का ये जो कंट्रोवर्शियल चल रहा है वो क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इवन एक स्टूडेंट्स ने तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोला इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को तुम लोग लास्ट तक देखना क्योंकि हम लोग सारा कंप्लीट बात करने वाले हैं, जो भी न्यूज पेपर्स के आर्टिकल्स हैं वो सब मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ये जो फिजिक्स का जो कंट्रोवर्सी है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। अगर तुम लोग नीट 2020 का पेपर देखे होगे तो नीट 2020 में क्या हुआ था, जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी आसान आया था। तो जो भी स्टूडेंट नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उन लोगों ने वही जिस टाइप का क्वेश्चन आया था उसी के बेसिस पर अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। लेकिन नीट 2021 में क्या हुआ है कि फिजिक्स का जो पेपर है वो डायरेक्ट ही मतलब नीट 2020 और नीट 2021 में क्या हुआ कि ड्रास्टिक चेंज आ गया। नीट 2021 के पेपर काफ़ी फिजिक्स के अच्छे थे तो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है काफ़ी इससे गुस्सा हो रही है। सही भी है क्योंकि क्या होता है कि जो 99% नीट एस्पिरेंट्स है उनका ऑलरेडी फिजिक्स उतना अच्छा नहीं होता, वीक होता है, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं और पेपर का कोई एक पैटर्न नहीं है फिक्स, कभी पेपर आसान आता है कभी पेपर हार्ड आ जाता है। तो इसी बेसिस पे इसी चीज़ को लेके जो डॉक्टर अमित गुप्ता है उनका ट्वीट है काफ़ी, और वही वो उन्होंने बोला है कि वो इस बात को जो NTA है जो भी हायर अथॉरिटी है उसके पास लेके जाएंगे इस चीज़ को, इस टॉपिक को। उन्होंने ट्वीट करा इसी पे, मैं दिखा स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने एक वोटिंग करा है, इफ नॉट मोर देन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स आर रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल स्टडीज देन व्हाई शुड इट डिसाइड द फेट ऑफ अ नीट UG एस्पिरेंट्स, फिजिक्स शुड बी देयर बट ओनली एज ए सब्जेक्ट टू क्वालिफाई विद सर्टेन मिनिमम मार्क्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन स्कोर फॉर मेरिट, डू यू एग्री। और ये जो वोटिंग इन्होंने करा है उसमें जो यस बोलने वाले बच्चे थे वो 77% थे, मतलब एग्री कर रहे थे इनसे, जो 19% बच्चे नो भी थे जो डिसएग्री थे, एंड 5% बच्चे आई एम नॉट श्योर पे वोटिंग करा है। तो इनका और भी ट्वीट्स है, सब स्क्रीन पे आ रहा होगा, तुम जाके ट्विटर पे चेक भी कर सकते हो, इवन रीट्वीट भी कर सकते हो। I have seen many students getting exploited by expensive coachings and wasting 1 to 2 years as a drop in just because of this reason, but later in life still becoming a very skilled and successful doctors in future. ये बात ये जो बोल रहे हैं वो काफ़ी सही है क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी काफ़ी अच्छा होता है, इवन वो 350 तक बायोलॉजी में स्कोर कर पा रहे होते हैं, और यही दो सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है यही दो सब्जेक्ट का हमारा जो है आगे जो भी हम लोग मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं तो यूज भी आता है। जो फिजिक्स ऐसा कहीं यूज़ नहीं है, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का पता होना चाहिए। तो फिर क्यों मतलब वो जो बच्चे हैं जिनका बायोलॉजी केमिस्ट्री इतना अच्छा होने के बाद भी वो लोग डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं और फिजिक्स ही हम लोगों का जो फ्यूचर है वो डिसाइड कर पा रहा है। तो इसीलिए फिजिक्स को क्या करना चाहिए कि एक क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब एक सेट कर देना चाहिए कि हाँ ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो सारे बच्चे को लाना ही पड़ेगा, एक माइलस्टोन है ये अचीव करना पड़ेगा, बाकी इसको एज अ मेरिट नहीं रखना चाहिए। ये डॉक्टर अमित गुप्ता बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर्स का आर्टिकल्स भी आया है न्यूज़ पे कि मतलब नीट हो सकती है आसान, ये साइड में स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा इस चीज़ को। सो ये टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो रहा है तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, तुम क्या चाहते हो, फिजिक्स को जैसा पहले है वैसा ही रहना चाहिए या फिर फिजिक्स को रिमूव कर देना चाहिए या फिर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के तौर पर उसको सेट कर देना चाहिए। सो प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।